नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल BS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे और ये जो लेक्चर है ये इस पेपर के चैप्टर नंबर फर्स्ट का 12th लेक्चर है। ठीक है भाई, इस लेक्चर के अंदर हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि लास्ट लेक्चर में भी हमने किए थे और उस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपके यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स में आए हुए हैं। उनको हम सोल्व करेंगे और साथ ही साथ इस कंसेप्ट को एक बार अगेन दोबारा से रिवाइज करेंगे। कहने मतलब है कि हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि हमें ये कंसेप्ट रिवाइज हो जाए और स्ट्रांगली कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, तो देखिए उसमें से आपके एक्सरसाइज है 1.3 में से आपके सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप अगर आप देखते हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें के प्रत्येक पद में एक्स और वाई की घात हो गई कितना है, एक्स और वाई की घात हो गई योग 2 है। कहने का मतलब है ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस रूप में लिखेंगे, सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कीजिए dy/dx बराबर f1xy/f2xy। ठीक है, इसको चेंज करिए। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल को नए डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करना है और साथ ही साथ आपको चेंज करने के पश्चात आपको एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जो कि क्या किसमें मिलेगी, जो कि उस नए डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स में मिलेगी। और उसको किससे सॉल्व करना है, उसको आपको सॉल्व करना है वेरिएबल और सेपरेशन। ठीक भाई, किससे सॉल्व करना है, चरों के पृथक्करण विधि से सोल्व करना है। और जो नया सॉल्यूशन आएगा उसमें क्या करना है, आपको पुराने जो नए वेरिएबल है उसको किससे रिप्लेस करना है, उसको इस पुराने वाले डिपेंडेंट वेरिएबल से रिप्लेस करना है। ठीक है भाई, देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप इसको लिखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को dy/dx बराबर f1xy/f2xy। ठीक है, तो देखिए dy/dx का हो जाएगा, आप इस टर्म को उधर लेके जाओ, x2 - y2 है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगी कितना जाएगा y2 - x2। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो ये बचेगा 2xy/dy/y2 - x2 dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2xy/dy/y2 - x2 dx। ठीक है, आप देखिए dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ से dy/dx हो जाएगा y2 - x2 / 2xy। ठीक है, dy/dx हो जाएगा y2 - x2 / 2xy, जो कि क्या है, जो कि समघात अवकल समीकरण। ठीक है भाई, जो कि समघात अवकल समीकरण। ठीक है भाई, जो कि क्या है, समघात अवकल समीकरण। ठीक है, आप देखिए समघात अवकल समीकरण सोल्व कैसे करना है, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल y को किसमें चेंज करना है, नए डिपेंडेंट वेरिएबल v। ठीक है भाई, इसके द्वारा y/vx के द्वारा। ठीक है, तो y/vx के द्वारा आप इसको रिप्लेस कीजिए, तो देखिए इस इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा आपको, y के करोगे x के रेस्पेक्ट में dy/dx और vx का करोगे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये मिलेगा v+xdv/dx। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब करना क्या है आपको, आपको इक्वेशन नंबर 2 और 3 की वैल्यू किसमें रिप्लेस करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए dy/dx की वैल्यू तो क्या है, v+xdv/dx/y/vx रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा v²x²-x²/2x(vx)। ठीक है, अब देखिए अब आंसर हर में से क्या कॉमन आ रहा है, इस फ्रैक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो आप एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। ठीक है भाई, आंसर हर में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है इसको तो कैंसिल कर दीजिए, तो नहीं बचेगी लास्ट है v+x dv/dx/v²-1/2v। ठीक है, कैसे बचेगा, v+xdv/dx/v²-1/2v। ठीक है, आप देखिए इस v को राइट हैंड साइड लेके जाइए,
इस पी को राइट हैंड साइड लेके देगी तो ये क्या शेष बचेगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी स्क्वायर माइनस वन माइनस टू वी स्क्वायर बटा टू वी। ठीक है, आप देखिए वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर कितना होगा, माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू वी। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब आप चलो का पृथक्करण कीजिए। चलो के पृथक्करण में करना क्या है, dv के साथ v के सभी टर्म्स और dx के साथ x की सभी टर्म्स। ठीक है, तो देखिए चरो का पृथक्करण करने पर, ठीक है, चरो का पृथक्करण करने पर, ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है, चरो का पृथक्करण करने पर 2v dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस dx अपॉन x। ठीक है, अब करना क्या है आपको, दोनों पक्षों का समाकलन। ठीक है, करना क्या है आपको, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए, क्या आएगा समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन 2v dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ठीक है, अब देखिए v स्क्वायर प्लस 1 को आप किससे रिप्लेस कीजिए, बीस का प्लस वन को आप नए वेरिएबल से रिप्लेस कीजिए और डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएशन करते हैं तो बीस का प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू वी डी वी, जो कि कहाँ एग्जिस्ट है, जो कि आपके अंश में एग्जिस्ट है। ठीक है भाई, तो देखिए बी स्क्वायर प्लस वन को रिप्लेस कीजिए किससे, पी से, और फिर डिफरेंशिएशन कीजिए तो डिफरेंशिएशन करने पर आ जाएगा टू वी डी वी बराबर डी वी। ठीक है, अब देखो बीस का प्लस वन और टू वी डी वी की वैल्यू रिप्लेस करते हो तो क्या आता है इस इंटीग्रेशन में, नया इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी टी अपॉन टी। ठीक है, नया इंटीग्रेशन आएगा डी टी अपॉन टी बराबर माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, समाकलन करना, तो आप जानते हैं वन अपॉन टी का टी के रेस्पेक्ट में समाकलन क्या होता है, वन अपॉन टी का टी के रेस्पेक्ट में समाकलन होता है लॉग टी। इसी प्रकार वन अपॉन एक्स का टी एक्स के रेस्पेक्ट में समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स। ठीक है, क्या होता है, लॉग एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा log t बराबर माइनस log ऑफ x प्लस log c। ठीक है, इस x को आप इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इस x को लेके आते हो log x को, तो ये हो जाएगा log t प्लस log x बराबर log c। ठीक है, तो log n प्लस log n के फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, log tx। ठीक है, log tx बराबर log c। अब देखो t की वैल्यू रिप्लेस करो, t की वैल्यू रिप्लेस करने पे क्या आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप ऐसे कीजिए एंटी लॉग लीजिए दोनों पक्षों का, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, सिंपली हो जाए। ठीक है भाई, दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेने पर, तो एंटी लॉग लेने पे क्या आता है, टी एक्स बराबर सी। ठीक है, एंटी लॉग लेने पर क्या आ रहा है, टी एक्स बराबर सी। तो देखिए टी एक्स बराबर सी, टी की वैल्यू रिप्लेस करो, टी की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स बराबर सी, और वी की वैल्यू क्या है, वाई अपॉन एक्स, हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स बराबर सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सी एक्स। ठीक है, जो कि क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, उसके पश्चात आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है एक्स वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बराबर जीरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक्स वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स अपॉन वाई डी वाई बराबर जीरो। ठीक है, तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सी टर्म एग्जिस्ट है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स अपॉन वाई की टर्म एग्जिस्ट है, तो आपके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप होगा डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एफ वन ऑफ एक्स वाई अपॉन एफ टू ऑफ एक्स वाई। ठीक भाई, दूसरी बात, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रत्येक पद में एक्स और वाई का योग कितना है,
एक्स वाई का तो योग टू है, ठीक है भाई। इधर भी कितना आ रहा है, टू, इधर भी टू है और इधर भी टू है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप dx अपॉन dy रूप में, ठीक है। तो देखिए क्या आता है, एक्स वाई log x अपॉन वाई इंटू डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर log x अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। अब करना क्या आपको, डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी एक्स अपॉन डी वाई की हो जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर log x अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई log x अपॉन वाई, ठीक है, जो कि क्या है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन वन, ठीक है। अब देखिए, अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये समघात अवकल समीकरण, ठीक है भाई। यह कौन सा अवकल समीकरण है, यह है समघात अवकल समीकरण, ठीक है भाई। कौन सी अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण, ठीक है। समघात अवकल समीकरण का सॉल्व कैसे करना, आपकी बार, आपकी बार y को v में चेंज नहीं करना, आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है x, ठीक है। तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल v में चेंज करना, किसके द्वारा चेंज करना है, x बराबर v इंटू y के द्वारा, ठीक है। इसमें चेंज करना है x बराबर v इंटू y के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर टू। अब देखो x बराबर v इंटू y है, डिफरेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है। वी प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन टू और थ्री की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर वन में, ठीक है। इक्वेशन टू और थ्री की वैल्यू किसमें रिप्लेस कर दीजिए, इक्वेशन टू है, थ्री की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर वन में रिप्लेस कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या आता है, बी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू तो हो जाएगी बी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है बी इंटू वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई बराबर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर बटा बी y स्क्वायर log x अपॉन y, ठीक है। और x अपॉन y की वैल्यू क्या है, x अपॉन y की वैल्यू है b, ठीक है। x अपॉन y की वैल्यू कितनी है, x अपॉन y की वैल्यू है b। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर y स्क्वायर इंटू log b माइनस y स्क्वायर अपॉन b y स्क्वायर log b, ठीक है। अब आप देखते हो कि इस फ्रैक्शन के अंदर अंश और हर में y की पावर 2 कॉमन आ रही है, ठीक है भाई। अंतर अंश में क्या कॉमन आ रहा है, y की पावर 2। तो आप क्या कीजिए, y पर अंश से कॉमन लीजिए और y पर आप हर से कॉमन लीजिए, ठीक है। उसको आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो नई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई बराबर वी स्क्वायर लॉग वी माइनस वन अपॉन वी लॉग, ठीक है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अब आपको v को राइट हैंड साइड ले जाना, तो राइट हैंड साइड ले जाने के देखो क्या आता है, v डी वी अपॉन डी वाई बराबर वी स्क्वायर लॉग v माइनस वन माइनस वी स्क्वायर लॉग v अपॉन v लॉग v, ठीक है। तो v का लॉग v से क्या हो जाएगा, v का लॉग v कैंसिल, तो क्या बचेगा माइनस वन अपॉन v लॉग v। अब क्या करो, अब आपको दोनों पक्षों में चरों का पृथक्करण करना है, ठीक भाई। क्या करना है, फाइनली अब आपको चरों का पृथक्करण करना है, ठीक है भाई। करना क्या है आपको, चरों का पृथक्करण करना है। लेकिन इससे पहले रुकिए, अब देखिए अब आपको क्या करना है, चरों का पृथक्करण करना, तो चरों का पृथक्करण कीजिए, चरों का पृथक्करण करने पर, ठीक है। चरों का पृथक्करण करने पर देखो क्या आ रहा है, v log v dv बराबर माइनस टी वाई अपॉन वाई, ठीक है। और फिर क्या कर दो, दोनों पक्षों का समाकलन, ठीक है। क्या कर दो आप, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर,
तो देखो दोनों पक्षों का समाकलन करने से क्या आता है, इंटीग्रेशन वी लॉग वी डी बराबर माइनस इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन वी लॉग वी डी वी बराबर माइनस इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई। ठीक है, अब आप देखिए आप इंटीग्रेशन कर रहे थे, आप किन का कर रहे हैं, दो फंक्शन का, दोनों किसके फंक्शन है, डी के, लेकिन आपको पता है इसमें एक फंक्शन तो है लॉग फंक्शन, दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका क्या नाम से एलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है भाई, कौन सा फलन है, बीजगणित है। तो आपको पता है जब दो फंक्शन मल्टीपल में हो तो उनका समाकलन किस प्रकार के करता है, उनका समाकलन u इंटू बी के फॉर्मूले से करता है, और u इंटू बी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट फंक्शन कौन सा चूज करना है, फर्स्ट फंक्शन आपको चूज करना है आई डी एफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई डी एफ के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकंड फंक्शन है। ठीक है भाई, तो आई डी एफ के अकॉर्डिंग यहाँ फर्स्ट फंक्शन कौन सा हुआ लॉग और सेकंड कौन सा हुआ वी। ठीक है, तो दोनों का जब आपको समाकलन करना है, दोनों का समाकलन क्या होगा, u और v का समाकलन करते हो तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रखो, सेकंड का क्या करो समाकलन, तो v का समाकलन v स्क्वायर बाय 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन सेकंड का समाकलन का समाकलन बराबर 1 / y हो जाएगा माइनस log y। ठीक है, फिर उसके बाद इस v से ये v कैंसिल हो गया, क्या शेष बचा v / 2। इस v / 2 का अगेन आप क्या कीजिए, इस v / 2 का अगेन आप इंटीग्रेशन कीजिए, वैसे v के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा v स्क्वायर / 2, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर / 4। ठीक है, 1 by 2 तो पहले से मल्टीपल में, v का करोगे तो v स्क्वायर / 2, तो ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर / 4 बराबर माइनस log y plus c। ठीक है, अब क्या करो, इस log वाले टर्म को उधर ले आओ और इस v स्क्वायर वाले टर्म को उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर / 2 log v plus log y बराबर v स्क्वायर / 4 plus c। ठीक है, अब करना क्या है, v का मान प्रतिस्थापित करना है। ठीक है भाई, v का मान क्या करना है आपको, v का मान प्रतिस्थापित करना है, तो v का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो प्रतिस्थापित करने पे क्या रहा, देखिए v का मान होगा x अपॉन y, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर log x अपॉन y प्लस log y बराबर x स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर प्लस C। ठीक है, तो ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, तो वो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इंटू ई की पावर वाई अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर ये नहीं है, चेंज करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 दे दो, क्वेश्चन नंबर 8 एक्स इंटू x माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर जीरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है x इंटू x माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर जीरो। ठीक है, तब देखिए ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें जो भी प्रत्येक पद उसमें x और y का तो कितना है 2 है। ठीक है भाई, ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये आपकी संघात अवकल समीकरण हो गई। ठीक है, तो इस संघात अवकल समीकरण को सबसे पहले किस रूप में चेंज करो, dy / dx बराबर f / x y / f / x y। ठीक है, तो देखिए कैसे चेंज करना है इसको, इस टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाओ, ये हो जाएगा x - x y * dy बराबर - y स्क्वायर * dx। ठीक है, अब देखो यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लो dy / dx की, तो dy / dx की वैल्यू हो जाएगी - y स्क्वायर / x * x - y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है, अगर आप हर के अंदर से माइनस को मान ले तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बचेगा शेष डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक भाई, जो कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि समघात अवकल समीकरण। ठीक भाई,
जो कि कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि समघात अवकल समीकरण। ठीक है भाई, कैसी अवकल समीकरण है? समघात अवकल समीकरण। अब देखिए समघात अवकल समीकरण सोल्व कैसे करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई को नए डिपेंडेंट वेरिएबल वी में चेंज करना है। किसके द्वारा? वाई बराबर वी एक्स के द्वारा। ठीक है भाई, वाई बराबर वी एक्स के द्वारा। ठीक है, तो अब देखिए पुट वाई बराबर वी एक्स, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब करना क्या है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू रिप्लेस कीजिए किसमें, इक्वेशन नंबर वन में। ठीक है भाई, इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू कहाँ रिप्लेस करो, इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू वन में रिप्लेस। ठीक है भाई, समीकरण दो व तीन का मान, दो व तीन का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर क्या आ रहा है, देखो बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वी एक्स माइनस एक्स। ठीक है भाई, आप देखते हो इस फ्रैक्शन के अंदर अंश में और हर में से क्या कॉमन आया, एक्स की पावर टू। ठीक है, अंश में तो एक्स की पावर टू कॉमन आए, एक एक्स की पावर में के अंदर एक्स की पावर एक ही रहेगी और एक एक्स की पावर यहाँ से निकल जाएगी, दोनों से क्या कॉमन है, एक्स की पावर टू कॉमन आई है, तो आप टू कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हो। ठीक है भाई, तो नई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करो, इस बी को राइट हैंड साइड लेके जाओ और उसको सोल्व करो, ये हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी माइनस वाई। ठीक है, ये बीस का से बीस का कैंसिल हो गया, क्या शेष बचेगा, यहाँ पे बचेगा बी, तो ये हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर बी अपॉन बी माइनस वन। ठीक है, आप देखिए चरों का पृथक्करण करो दोनों पक्षों का, चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करने पर ठीक है क्या आ जाएगा, बी माइनस वन अपॉन बी इंटू डी वी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब v का भाग आप किसमें दीजिए, v का भाग आप v माइनस वन में दीजिए, तो क्या आएगा, वन माइनस वन अपॉन बी। ठीक है, वन माइनस वन अपॉन बी, देखो ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन v इंटू डी वी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स, और फिर क्या कर दो आप, दोनों पक्षों का समाकलन। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर देखो क्या आएगा, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन वन माइनस वन अपॉन बी इंटू डी वी बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा बी माइनस लॉग बी बराबर लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इस लॉग बी को उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा बी बराबर लॉग बी प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, लॉग एम प्लस लॉग एम को हम इसके लिख सकते हैं लॉग एम है, और इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं लॉग सी बी एक्स, और बी एक्स की वैल्यू क्या है, बी एक्स की वैल्यू है वाई, तो ये हो जाएगा लॉग सी वाई बराबर बी, मतलब लॉग सी वाई बराबर हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। ठीक है, दोनों पक्षों का एंटी लॉग ले लीजिए, तो दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेने पर क्या आ जाएगा, सी वाई बराबर ए की पावर वाई अपॉन एक्स। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेने पर आ जाएगा ये सी वाई बराबर ए की पावर वाई अपॉन एक्स। ठीक है भाई, जो कि क्या है, जो कि आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक भाई, जो कि आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता होगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक और नई मेथड की बात करेंगे, ये समघात अवकल किसी भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम समघात अवकल समीकरण किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। ठीक भाई, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नए मेथड के साथ शुरुआत करेंगे और हम बताएंगे कि अन्य प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को समघात अवकल समीकरण में किस प्रकार चेंज किया जाता है और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।